से ही अपनी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करना आ जाता है, आपको डॉक्टर्स के पास भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि रेप ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, मेरा नाम मीना मिश्रा है और लास्ट 4 to 5 ईयर्स से मैं अपनी खुद की क्लासेस कंडक्ट कर रही हूँ। 10 to 15 ईयर्स से मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज है योगा क्लासेस का। और मैं नागपुर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैंने गोल्ड सिल्वर मेडल जीता हुआ है योगासन कॉम्पिटिशन में। एंड सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो स्टेट लेवल में भी मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। और अभी मैं फिलहाल इंस्टाग्राम पर लाइव सेशंस में ले रही हूँ। योगा करने से बहुत सारे लोगों के काफी प्रॉब्लम्स भी क्योर हुए, मेरी ही क्लास में नहीं बोल, योगा ऐसी चीज है, योग एक ऐसी चीज है कि आप कभी भी करिए, कभी भी करिए, लेकिन आपको फायदा 100% मिलने वाला। ठीक है, तो फिर से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। अब मैं अपना विषय शुरू करती हूँ। जैसा कि आप सभी ने देखा कि मेरा विषय है साइकोसोमेटिक एंड साइकिक या सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि डिजीज यानी क्या, बीमारी। तो डिजीज का एक मीनिंग आप समझिए पहले, इज यानी नॉर्मल है ना, एंड इट इज एबनॉर्मल। तो देखा जाए तो कुछ अंदर एबनॉर्मलिटी चल रही, तो यानी हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें वीक लगता है, चिड़चिड़ा लगता है। तो अगर मन में हमारे कुछ थोड़ा सा एबनॉर्मल जैसा क्लियर होने लग गया तो हमको ऐसा लगता है कि हमें अब किसी चीज की शुरुआत होने लग गई है। तो अगर अब साइकोसोमेटिक यानी क्या होता है, साइकी यानी होता है हमारा मन एंड सोमा यानी होता है हमारा शरीर। तो मन से शरीर में एंटर करने वाली बीमारी यानी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक, एंड सोमेटोसाइकिक यानी क्या हुआ, तो सोमा जैसे मैंने आपको बताया था शरीर, तो शरीर से मन में एंटर करने वाली बीमारी। अब देखा जाए जैसे, तो अगर मैं आपको बोलूंगी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, तो इन डिसऑर्डर्स के देखा जाए तो 4 फेजेस, साइकोसोमेटिक एंड सोमेटोसाइकिक इनके फेजेस होते हैं। पहला फेज अगर हम देखेंगे तो साइकिक। अब मैं इसका एक्सप्लेन करती हूँ आपको पंचकोश से रिलेट कर। पंचकोश यानी हमारे शरीर में 5 लेयर्स होती है, तो उन्हें हिंदी में पंचकोश कहा जाता है। पंचकोश का डिस्क्रिप्शन हमारे बहुत सारे योग टेक्स्ट में, उपनिषद में बहुत सारे जगह पर आया हुआ है। पंचकोश यानी 5 कोशों का हमारा शरीर बना हुआ है। पहला कोश हुआ हमारा अन्नमय कोश, यानी ये जो शरीर हमारा सामने आपको दिखाई देता है अन्नमय कोश। इसके बाद प्राणमय कोश, शरीर के बाद प्राण यानी हमारा ऑक्सीजन लेवल। उसके बाद मनोमय कोश, मनोमय यानी हमारा मन। फिर उसके बाद आता है विज्ञानमय कोश और फिर 5वां है आनंदमय कोश। अब ये 5 कोशों से अगर हम हमारे डिसऑर्डर्स को कोरिलेट करते हैं तो हम कैसे समझें। सबसे पहला जो लेवल होता है वो होता है साइकी। साइकी लेवल यानी क्या हुआ, देखा जाए तो विज्ञानमय कोश। ठीक है, 5 कोश मैंने आपको बताया, उसमें जो चौथे नंबर का कोश था विज्ञानमय कोश। अब कैसा हुआ, आपको जैसे पता है हमारा ऑरा लेवल, हमारा ऑरा, हमारी एनर्जी जो हम देखते हैं, फील करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं भगवान की जो मूर्ति आपको दिखाई देती है या भगवान के पिक्चर्स आपको दिखाई देते हैं, तो उनके सिर के पीछे व्हाइट कलर की एनर्जी घूमती रहती है, वो होता है ऑरा। हमारा ऑरा जो रहता है ऐसे ट्रायंगल शेप में, हमें हमारे पूरे शरीर को कवर किए हुए रहता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी डिसीज है वो हमारे ऑरा तक आती है। ठीक, अब ऑरा तक डिसीज आई तो कैसे आई, हमारी सोच से। हमने जो भी सोचा वो सोच जो है, अब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसे हमें डिसाइड करना है। देखा जाए तो अगर मैं इसको थोड़ा सा साइंटिफिक वे तरीके से अगर आपको समझाऊं तो कैसा है, हमारा जो ब्रेन है
वो कंटिन्यू वर्क करते रहता है। अगर हमने कुछ भी सोचा, कोई भी थॉट अगर हमारे ब्रेन में क्रिएट हो, फॉर एग्जाम्पल कोई एक एक दुर्घटना हम याद करते हैं, हमारे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ हो हम उसको याद करते हैं, अगर कोई इंसिडेंट हुआ तो विचार हमारे दिमाग में तुरंत एंटर कर जाते हैं, ठीक है। विचार आए उसके बाद में जैसे ही थॉट आया तो वो जो ट्रांसमीटर्स रहते हैं वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। अब अगर हम एक ही विषय को बार बार रिमाइंड करते हैं, बार बार सोचते हैं, तो वह जो विषय है वो विषय जो है न्यूरो पाथवेज में कन्वर्ट हो जाए, यानी सोच जो है वो बार 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 बढ़ती चली जाए। अब जब वो थॉट न्यूरो पाथवेज में कन्वर्ट हो गया है तो वो धीरे धीरे करके हमारे ब्रेन में चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। अब वो थॉट आया, अब वो थॉट देखिए आपका पॉजिटिव है या नहीं। अक्सर हमेशा याद रखिए पॉजिटिव थॉट्स कभी परेशान नहीं करते, जो नेगेटिव थॉट्स रहते हैं ना वो ही बार बार हमारे ब्रेन में चलते हैं और हमें परेशान करते रहते हैं। अब वो जो न्यूरो पाथवेज बन गए, ठीक है, अब वो धीरे धीरे करके रिपीटेशन में आ रहे हैं, हमारे ब्रेन को लगातार काम करना पड़ रहा है उन्हीं विषयों को सोचने के लिए, उन्हीं विषयों को सोचने के, ठीक है। तो अब उससे क्या हुआ, हमारा ब्रेन जो है पेप्टाइड्स जो रहते हैं हमारे सेल्स में होते हैं, तो वो कैसा है, जैसे जैसे हमारा थॉट्स बढ़ेगा ना वैसा वैसा हमारा ब्रेन और पेप्टाइड्स की डिमांड करता है, यानी सेल्स डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। अब वो जितने ज्यादा सेल्स डिवाइड होंगे उतना ही ज्यादा पेप्टाइड्स निर्माण होंगे, उसके कारण क्या होगा, हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ज्यादा काम करने लग जाएगा, बहुत एक ही विषय को सोचने लग जाएगा, यानी वहां पर नेगेटिविटी कन्वर्ट हो रही है। अब यहाँ पर अगर नेगेटिविटी को हमको कम करना है तो हमारी सोच को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। अब जैसे कि हम वापस आते हैं हमारे विज्ञान में कोश की तरफ, विचार जो है विचार बाहर से हमारे ऑरा लेवल तक आए, ऑरा लेवल हमारा अगर स्ट्रांग है, मजबूत है, तो वह विचार हमारे अंदर हम एंटर नहीं करने देंगे, हमारा ऑरा पहले से ही पॉजिटिव है तो उस विचार को बाहर के बाहर वापस भेज देगा। लेकिन अगर हम उसे हम वीक है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक है, वो बहुत जल्दी हमें अटैक कर देगा, जैसे कि कोरोना है, कोरोना प्रॉब्लम अभी शुरू हुई है कोविड-19 का, तो वो जो वायरस है वो क्या कर रहा है, इम्यून सिस्टम जिनका वीक है उन्हीं को ही आकर के अफेक्ट कर रहा है, और जो स्ट्रांग है उनके ऑरा लेवल के पास से ही गुजर जाता है, या थोड़ा सा आता है और तुरंत थोड़ा बहुत सर्दी खांसी दे करके चला जाता है, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि कोरोना हमें हुआ भी है या नहीं भी हुआ है, जस्ट हम थोड़ी सी प्रिकॉशन लेते हैं और हम ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया विज्ञान में कोश यानी हमारा ऑरा लेवल जो मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद में दूसरा जो फेज है वो है साइकोसोमेटिक, यानी अब बीमारी ऑरा से हमारे मन में प्रवेश कर रही है, हमने उसे ऑरा से अंदर आने दिया, अब हम मन से उस विषय के बारे में सोचने, यानी मनोमय कोश, ठीक है, मन में अब वो बीमारी धीरे धीरे एंटर करके, अब जैसे आप किसी एक विषय के बारे में बार 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 सोच रहे हो कि इसने ऐसा क्यों बोला, उसने वैसा क्यों बोला, वो मन में है, मन में बहुत हम परेशान हो रहे हैं धीरे धीरे करके। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही बीमारी हमारे मन में आती है हम उसी विषय के बारे में सोचते हैं, तो क्या होता है, एकदम से हमारी हार्ट बीट भी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप डर जाते, ठीक है, किसी कारणवश आपके किसी ने एकदम से कुछ बोल दिया, या आप बैठे हो और एकदम से आपके पास में आ गया सांप, सांप आ गया, आप एकदम से क्या हुआ, आपकी हार्ट बीट तुरंत बढ़ गई, आपके शरीर को बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, आपको पसीना आ गया, उसके कारण क्या हो गया, आपकी ब्रीदिंग का जो रेट है, सांस जो है वो भी कम ज्यादा होने शुरू हो जाता है। यानी मन से कहाँ हो रहे हैं आपको, फिर प्राणमय कोष की तरफ, यानी हमारा ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब हो रहा है। अब ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होना यानी हमारा सोमेटिक फेस है, तीसरा फेस सोमेटिक फेस, ठीक है। अब हमारा प्राणमय कोष जो है वो डिस्टर्ब हो गया। अब ऑक्सीजन लेवल अगर हम भरपूर नहीं ले पा रहे, हमारा प्राण डिस्टर्ब हो गया, हमारा ब्रेन डिस्टर्ब हो गया, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से हमारे शरीर में नहीं सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, उसके कारण क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ज्यादा नहीं मिल रही है, तो हमारे लंग्स भी ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम अच्छे से नहीं कर पा रहे। अब वो ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो हार्ट क्या करेगा, गंदा शुद्ध ब्लड हमारे शरीर में यहाँ से वहां ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, ठीक।
अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लड भी अशुद्ध हो रहा है, साथ में ऑक्सीजन लेवल भी हमारे शरीर में कम हो रहा है। उसके कारण क्या होगा, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स इफेक्ट करेंगे, ऑर्गन्स पे प्रेशर आएगा। ठीक, यानी चौथा फेज हो गया हमारा ऑर्गेनिक फेज। ठीक है, अब ऑर्गेनिक फेज यानी हमारा अंडमय कोष, हमारा जो शरीर बॉडी आपको दिखाई दे। अब जब प्रॉब्लम हमारे ऑर्गेनिक फेस में आ जाती है, तब हमें थोड़ा सा पता चलता है कि यार मेरा तो पल्स रेट बढ़ रहा है, मेरा तो बीपी बढ़ गया है, या फिर मेरी नी में पेन हो रहा है, मेरे बैक इश्यूज हो रहे हैं, मुझे थोड़ी सी यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो रही है, मुझे डायबिटिक हो चुकी हूँ मैं, या फिर मुझे थायराइड हो गया है, या फिर स्ट्रेस डिप्रेशन, ये सब चीजें बाद में पता चलती है। कब, जब हमारे शरीर में बीमारी आनी शुरू हो जाती है और हमें दर्द पेन का अनुभव होता है। जब तक हम पेन से गुजरते नहीं ना, तब तक हम उसे बस लाइटली लेते रहते हैं, होगा ऐसे ही कुछ तो भी होगा, ऐसे ही कुछ तो भी होगा। बट कैसा है कि कभी भी ये चीज आप ध्यान दीजिए कि बीमारी आपके शरीर में लास्ट 5 to 6 years से एंटर कर रही है, आपके प्राण में कोष से शरीर में प्रॉब्लम्स को आपको दिखने में सालों लग जाते। तो अगर आज आपको डाइजेस्टिव रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सर्कुलेटरी नर्वस सिस्टम रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप पीछे जाइए और पीछे जाकर के खुद की लाइफ को देखिए कि क्या आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है, या फिर कोई थॉट है जो आपको बड़ा बार बार लगातार परेशान। तो अगर इन सब चीजों के बारे में आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, बीमारी तो बहुत सालों से आ रही है, लेकिन हमने आज अनुभव किया कि अनुभव किया क्योंकि हमको दर्द हो रहा है, तब समझ में आ रहा है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम डॉक्टर्स के चक्कर लगाने शुरू करते हैं। स्पेशली जब आप एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो एलोपैथी ट्रीटमेंट में वो ना आपके प्राणमय पे ट्रीटमेंट करेंगे, ना मनोवैद पे करेंगे, ना विज्ञान वैद करेंगे, वो डायरेक्ट आपके अन्नमय कोष पर ही ट्रीटमेंट करते हैं। अब आप खुद सोचिए, रूट कॉज आपका कहाँ है और ट्रीटमेंट आपकी कहाँ है, तो आपको फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। सिर्फ जस्ट टेम्परेरी आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया है आपको, ऑर्थोपेडिक रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई है आपको, जिसका बैकग्राउंड क्या है, पीछे से कहाँ से लास्ट 5 ईयर्स से चल रहा है, और आप ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट भी ले रहे हो, साथ में नींद की दवाइयां दे रहे हैं, आप सोए जा रहे हो, चिड़चिड़ा बना हो रहा है। मेन प्रॉब्लम रूट कॉज में जाकर के अगर आप देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, मुझे एक्चुअल ट्रीटमेंट की जरूरत है, साइकेट्रिस्ट की, जो कि हमारे मन में जाकर के और उस विचार को बाहर निकालने में हमारी हेल्प करे। अब हम जैसे हम लोगों ने अभी 4 फेजेस देखे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, अब अगर हम सोमैटोसाइकिक डिसऑर्डर्स की तरफ जाते हैं, तो जैसे बीमारी विज्ञानमय कोष से ऑरल लेवल से हमारे शरीर में आई, वैसे ही बीमारी हमारे शरीर से ऑरल लेवल तक जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेशेंट है जिसको तुरंत पता चला कि उसे कैंसर हुआ है, ठीक है, अब जैसे ही उसे पता चला कि उसको कैंसर हुआ है, तुरंत डिस्टर्ब हो जाता है। अब वो ट्रीटमेंट तो शुरू हो गई, लेकिन उसका एनर्जी लेवल पूरा डाउन हो जाता है। अब धीरे धीरे करके वो नेगेटिव में कन्वर्ट होते चले जाता है, उसके थॉट्स नेगेटिव होने लग जाते हैं। इसीलिए कभी देखिए कि जो बहुत पॉजिटिव है वो कैसे भी प्रॉब्लम से बाहर आ जाता है, लेकिन जो नेगेटिव है उसे वो प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर देती है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आपको नी पेन है, तो बार बार नी में दर्द है, नी में दर्द है, नी में दर्द है, ऐसा ही मन में आता रहता है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, आपका प्राणमय कोष डिस्टर्ब हो रहा है, आपका अन्नमय कोष डिस्टर्ब हो रहा है, आपका ऑरल लेवल भी वीक हो रहा है। ठीक है, तो शरीर से भी बीमारी मन में एंटर करती है और मन से शरीर में। देखा जाए तो 99% प्रॉब्लम हमारे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स के ही कारण है, 1% एक्सीडेंटली मान करके चलते हैं, 99% साइकोसोमेटिक यानी मन से ही पैदा हुई बीमारियां हो। अब हम इसका रीजन देखते हैं, रीजन क्या है। सबसे पहला एक रीजन है, मैं आपको बताना चाहूंगी एक उदाहरण के तौर पे मैं बता, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक चूहा है और एक बिल्ली, ठीक है। जैसे चूहे को
चूहे ने जैसे ही देखा कि अरे बाप रे मुझे बिल्ली खाने के लिए आ रही है, वो क्या करेगा, तुरंत पूरी एनर्जी को लगा करके, सबसे पहले तो वो डर जाएगा देख करके चूहा कि अरे बाप रे बिल्ली मेरे पीछे दौड़ रही है, वो क्या करेगा तुरंत वो अपनी जान बचाने के लिए भागे। ठीक है, अब वो जैसे ही डरा हमारे ब्रेन ने क्या बोला कि इसको भागना है तो इसको एनर्जी की जरूरत है, तो आप एनर्जी प्रोड्यूस करो, शरीर को उसने ऑर्डर दिया, तुरंत हमारे शरीर ने एनर्जी प्रोड्यूस कर दी। ठीक है, जैसे हमारे शरीर को अब दौड़ना है, शरीर को दौड़ना है, शरीर तुरंत दौड़ेगा, जल्दी जल्दी से एनर्जी, तो मुझे जल्दी से भागना है, बचाना है मुझे खुद को, तुरंत हमें एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी जैसे ही मिलती है हम दौड़ेंगे भागेंगे। ठीक है, ये तो वो चूहा और बिल्ली का उदाहरण, लेकिन ये रेयर केस में होता है, हमारी लाइफ में आजकल ये रोज हो रहा है, दिन में कई बार होता है कि बहुत से विषय ऐसे आते हैं हम डर जाते हैं, एक ही विषय बार बार हमें परेशान करता है, फिर वो चाहे विषय हमारी फैमिली से रिलेटेड हो, हमारे करियर से रिलेटेड हो, या फिर कुछ भी हमारे एनिमीज हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, किसी भी एक ही विषय को हम बार 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 सोच रहे हैं, तो हमारा ब्रेन क्या करेगा, जब भी हम एकदम से डर जाएंगे ना, या फिर एकदम से हम स्ट्रेस में आए, दिन में कई बार हो रही है ये चीजें, जैसे ही स्ट्रेस में आए तो तुरंत हमारा ब्रेन एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑर्डर दे देते हैं। अब हमारे शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस हो चुकी, लेकिन हम क्या चूहे के समान भागे क्या, नहीं भागे, हम अपने ही काम में लगे, अब एनर्जी तो प्रोड्यूस हो रही है, अब वो एनर्जी यूज कहाँ हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, अब वो एनर्जी शरीर से ही प्रोड्यूस हुई तो शरीर में ही जाएगी, अब शरीर में कहीं तो जाएगी वो, तो वो एनर्जी जाके आपके ही शरीर में कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है। ठीक है, वो फिर फैट के फॉर्म में हो रही है या फिर आपके ऑर्गन्स को डिस्टर्ब, एनर्जी, तो इसीलिए एनर्जी को बर्न करना बहुत जरूरी है, एनर्जी यानी आपका ग्लूकोज लेवल। ठीक है, जैसे ही आपको स्ट्रेस आया, टेंशन आया, तुरंत आपके शरीर में ग्लूकोज फॉर्म हो जाता है, अब वो ग्लूकोज को आप बर्न नहीं कर रहे हो, उससे आप खत्म नहीं कर रहे हो, उसके आप काम नहीं कर रहे हो शरीर से, फिर वो कहाँ स्टोर होने शुरू हो जाएगी आपके शरीर, फिर वो डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ जाएगा, आपका स्ट्रेस बढ़ता ही रहेगा, कहीं साथ में आपके शरीर में फैट भी बढ़ता रहेगा। ठीक, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप स्ट्रेस कम लें और एनर्जी लेवल बढ़ाएं, अगर एनर्जी आई है शरीर में, ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, तो उसे बर्न करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको एक्सरसाइज करना मस्ट है। ठीक है, अब दूसरा रीजन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी एनर्जी हम कम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, हम खाते तो इतना सारा है लेकिन हम उसे पचाते नहीं, जितना मर्जी आए, यहां से आया, वहां से आया, कहीं से भी आया, एक नहीं दो दो हाथ से हम खाते हैं। क्या आप एक दिन जितनी कैलोरीज आप खा रहे हैं उतनी आप बर्न कर रहे हो, नहीं बर्न करोगे तो फैट में, फैट में कन्वर्ट होते चले जाएगा, और फैट में कन्वर्ट होने के कारण आपके विचारों को डिस्टर्ब करें, जिसके कारण आपकी प्रॉब्लम्स फिर से क्रिएट होनी शुरू हो जाए। ठीक है, अब तीसरा रीजन है इसमें स्ट्रेस, आप टेंशन जो लेते हो, आजकल का दौर ही ऐसा है कि हम बिना टेंशन के कोई रह नहीं सकते, और अगर किसी दिन ऐसा हो गया ना कि हमें टेंशन नहीं आ रहा है, तो ऐसा लगता है यार आज मैं सोच के नहीं रही, और मुझे टेंशन क्यों आ रहा है, किसी दिन आप देखना बहुत खुश रहते हैं ना, तो ऐसा लगता है, फिर सोचते हैं एक बार आज खुश क्यों हूँ, इतना क्या रीजन हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस में रहते हैं तब कभी नहीं सोचते यार आज मैं इतना तनाव में क्यों हूँ, क्या रीजन हो सकता है, रूट कॉज से जाके रीजन को ढूंढ करके और निकालना बहुत जरूरी। तनाव में आजकल आप देख रहे हैं 13 साल 14 साल 20 साल, क्या एज कुछ नहीं है बच्चों को, लेकिन डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, जिसके कारण कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, तो ये भी एक स्ट्रेस है, तनाव है। ठीक है, चौथा रीजन एक देखा जाए तो अपेक्षाएं, उम्मीदें, हम घर में रह रहे हैं तो हमें उम्मीद रहती है, ऑफिस में रहते हैं, हमारे पति से हो, वाइफ से हो, या फिर बच्चों से हो, ऑफिस में कलीग्स से, हमें बहुत उम्मीदें रहती है कि हम इसके साथ में ऐसा करना चाहते हैं, क्यों करना चाहिए, आपने अब आगे वालों से उम्मीद नहीं रखी, अगर आप उम्मीद रखोगे तो आपके मन को थोड़ी आगे वाला पढ़ रहा है,
कि नहीं आपके मन में क्या चल रहा है, या उसे आपको पता होगा कि अरे इसने ये काम किया ना, इसके बदले ये मुझसे उम्मीद रख रहा है। तो उम्मीद कभी मत रखिए, अगर अपेक्षाएं रखेंगे तो स्ट्रेस आएगा, नेगेटिविटी आएगी, तनाव, जिसके कारण भी आपको तकलीफ हो सकती है। चौथा एक रीजन देखा जाए तो कंपैरिजन, तुलना। हम कभी भी घर में हो, बाहर में हो, एक दूसरे से खुद की कंपैरिजन करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझसे कुछ आसनास पड़े हो, मुझसे कुछ आसनास नहीं हो रहे कर रहे, तो मुझे ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि नहीं, हाँ मेरे शरीर की जितनी क्षमता है मैं उतना कर रही हूँ ना, उससे ज्यादा ही कर रही हूँ, काफी। लेकिन कहीं वहां अगर कोई कोई दूसरा है जो बहुत अच्छा अभ्यास कर रहा है, तो उसके पीछे उसकी लगन होगी, उसके पीछे उसकी सालों की मेहनत होगी, उसके पीछे उसकी डाइट होगी, उसका लाइफस्टाइल होगा, उसकी दिनचर्या होगी, जिसके कारण वो ज्यादा बेटर तरीके से कर रहा है ना। लेकिन हम यहाँ कंपैरिजन करके एक ईर्ष्या की भावना, जेलसी की भावना हम अपने अंदर लेकर के आ जाते हैं, जिसके कारण हम आगे वाले की नेगेटिविटी को, खुद को ही, उसको भी नेगेटिविटी दे रहे हैं, खुद को भी दे रहे हैं, जिसके कारण हमारी ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर आपने किसी आगे वाले को एक थप्पड़ मारा है तो आपको दो पलट करके देगा, शांत नहीं बैठेगा। ऐसे ही हमारी एनर्जी होती है, हमने अगर मन में ही किसी के लिए नेगेटिव सोचा तो वो तुरंत हमें अफेक्ट करने वाला है, ठीक है। उसके बाद में आता है अकेलापन। जैसे कि आपको पता है आजकल की जो लाइफस्टाइल हो चुकी है ना, हर कोई अकेला रहना पसंद करता है, कोई भी संयुक्त तो परिवार में रहना पसंद नहीं करता है। हम अकेले हैं, हमारे बच्चे भी अकेले हैं, ठीक है। अब बच्चों को अपने मन के विचारों को डिस्कस करने के लिए कोई मिलता नहीं है, पेरेंट्स भी बिजी हैं, अपने जॉब में हो, अपनी लाइफ में हो, किटी पार्टीज में हो, या फिर ग्रुपिज्म में हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह जुड़े हैं, अपने बच्चों से कभी बैठ करके बातें नहीं करते, है ना। अब बच्चों से बातें नहीं कर रहे हैं तो फिर वो बच्चे अपने जो उनके थॉट्स चल रहे हैं वो किससे डिस्कस करें, फिर वो बाहर किसी को ढूंढेंगे, बाहर कोई नहीं मिला तो फिर वो मल्टीमीडिया में ढूंढेंगे, फेसबुक में ढूंढेंगे, फ्रेंड्स बनाएंगे, किसी को तो ढूंढेंगे। तो हम कैसा है, अकेले अकेले ज्यादा रह रहे हैं, हम किसी के साथ में अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, इसका भी रीजन साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स का है। इसके बाद देखा जाए तो एक जेनेटिक रीजन भी हो सकता है, किसी ना किसी कारण से कुछ ना कुछ हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, जिसके कारण हमें बार बार स्ट्रेस आता है। कुछ जैसे फैमिली में किसी को डायबिटीज हो गई है तो बाद में अगर हमने केयर नहीं किया तो बाद में हमें भी हो सकती है, या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस अगर फैमिली में किसी को है तो फिर वो हमें भी हो सकती है, उसके कारण क्या होगा, फिर धीरे धीरे चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं उन चार लोगों के बीच में थोड़ा सा अकेला फील कर रहा हूँ, अलग सा महसूस हो रहा है। थोड़े से कुछ बच्चे बहुत हाइपर होते हैं, है ना, हाइपर हो रहे हैं, वो रीजन उनका क्या, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है जो उनके अंदर में पहले से आ रहा है, लेकिन वहीं पर एक दूसरा बच्चा शांत है तो वो मस्ती नहीं कर रहा है, वहां टीचर कंपेयर करती है कि नहीं देखो बच्चा कितना अच्छा बैठा है, तो भी मस्ती कर रहा है, उसको टेंशन आ गया कि भाई मुझे ही ऐसा, फिर उसे मारना, फिर उसे डांटना, उसे ट्रीट करना दूसरे तरीके से, क्लास के बाहर खड़ा करना, ये भी एक रीजन है जेनेटिक, ठीक है। इसके बाद अब हमारा जैसे रीजंस हुए, इसके बाद में अब हम देखेंगे कि हमारे हेल्थ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर तो ये होता है कि हमारी डाइट, हम आहार क्या लें, खाना क्या खा रहे। जैसे आपको पता है कि हमारा शरीर में सत्व, रज और तम, ये तीन गुण है, हमारा शरीर बना वैसे ही देखा पित्त और कफ, ठीक है। ये तीन हमारे शरीर में दोष है जो हमेशा रहते हैं, इनको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर ये बैलेंस में है तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली, लेकिन अगर ये बैलेंस नहीं है, आपका तीन दोषों में से एक दोष नॉर्मल, दूसरा बाकी दो जो है वो अप डाउन होते रहते हैं, कभी बात बराबर है तो पित्त और कफ बढ़ा हुआ रहेगा, कभी कफ सही है तो वात और पित्त बढ़ा हुआ रहेगा, कभी पित्त सही है तो वात और कफ बढ़ा हुआ होगा, जिसके कारण हम थोड़ा सा डिस्टर्ब रहे। देखा जाए तो जब बच्चा पैदा होता है तब से टीनेज तक उसकी कफ प्रकृति होती है, उसके शरीर में कफ की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है।
उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा बड़े होते हैं मिडिल एज, उसमें पित्त की मात्रा ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि पहले कैसा था, धीरे धीरे शरीर को बढ़ना था, ग्रोथ होनी थी उसकी, तो कफ प्रकृति रही। उसके बाद अब डाइजेस्टिव रिलेटेड पित्त जो हमारा शरीर को, पित्त प्रकृति बढ़ जाती है, तो क्या हो रहा है, डाइजेशन की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है और पेट में एसिडिटी ज्यादा बढ़ जाती है। उस समय पर स्ट्रेस तनाव सभी बढ़ जाते हैं। जो थोड़ा सा ओल्ड एज आते हैं तब वात प्रकृति ज्यादा बढ़ जाती है। उसके कारण क्या होगा, जॉइंट्स में पेन होगा, नीज में पेन होगा, शरीर का वात, शरीर की हवा जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमारे में आहार की तरफ भी ध्यान देना, हम वात पित्त कफ प्रकृति को जाने, हमारी प्रकृति कौन सी है, उस प्रकृति को, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी पित्त प्रकृति है, मेरी पित्त प्रकृति, तो पित्त प्रकृति वालों को क्या होता है कि कभी कभी पेट में एसिड ज्यादा जम जाता है, पेट में जलन होनी शुरू हो जाती है, थोड़ा सा अनईजी बना लगने लग जाता है, तो हमें जानना है। तो अब मैं क्या करूंगी, मेरे डाइट को मैं चेंज करूंगी और थोड़ा सा ठंडे जो फील होते हैं ऐसे आहार में लूंगी जो हमारे शरीर में जाके ठंडक निर्माण करते हैं, जो हीट करते हैं वैसे आहार में नहीं लूंगी। उसी से रिलेटेड मैं एक्सरसाइज भी करूंगी, उसी से रिलेटेड मैं प्राणायाम भी करूंगी, उसी से रिलेटेड मैं अपनी ट्रीटमेंट भी करूंगी, जिसके कारण मैं ओके हो जाऊंगी। ठीक है, तो अब जैसे डाइट, तो डाइट में सबसे पहले ये भी देखना है कि आप क्वालिटी कौन सी ले रहे हो, डाइट क्या खा रहे हो, आप सात्विक आहार ले रहे हो, तामसिक आहार ले रहे हो या फिर राजसिक आहार ले रहे हो। सात्विक यानी क्या हुआ, सादा खाना, हरी सब्जी, नॉर्मल दाल चावल, एकदम सिंपल, रोटी, सैलेड, ठीक है, दही, दूध, घी, ये सब सात्विक आहार। लेकिन राजसिक आहार अगर आप ले रहे हो तो वो थोड़ा सा पेट में जलन करना शुरू करेगा, आपके एसिड को भड़काएगा। राजसिक आहार में क्या हो गया, वो मसाला, मिर्च, तेज, तीखा वाली सब्जी। उसके बाद अगर आप तामसिक आहार ले रहे हो, जैसे उसमें हो गया लहसुन या फिर मसाला ज्यादा या फिर नॉन वेज, ये सब चीजें आप खा रहे हो, क्या तामसिक आहार हो गया, ये आपके अंदर तमस गुण को बढ़ाए, जिसके कारण आप हमेशा डिस्टर्ब रहोगे, क्रूर रहोगे। तामसिक गुण आ गया, आलस्य हो गई, नींद आती रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, फ्रेश नहीं लगेगा आपको, फैट बढ़ेगा, बीमारियां एक के बाद एक आपके शरीर में एंटर करती रहेगी। तो थोड़ा सा आपके डाइट में देखना है कि क्वालिटी, आप किस टाइप का अनाज खा रहे हो, उसके बाद क्वांटिटी कि कितना खा रहे हो। अब सब्जी कोई बहुत अच्छी लगी, आपने 3 4 रोटी 5 रोटी एक साथ खा ली, अब वो क्या, पेट तो हमारा इतना सा है, आपने इतना सारा खा लिया, अब वो पेट इतना सा है, वो खाना इतना सारा बढ़ के पेट इतना बढ़ जाएगा। अब वो जो पेट में हमारे जूसर है उसको काम करने की तो जगह ही नहीं दी ना आपने, इतना सा पेट है, आपने उसको इतना भर दिया, वो कहाँ घूमेगा और कहाँ आपके खाने को डाइजेस्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, जिसके कारण आपको फिर तकलीफ हो जाएगी और ज्यादा। तो इसलिए कभी भी खाना कितना खाइए आप, जैसे मान लीजिए एक रोटी है, एक रोटी में से आधी रोटी आप खाइए, बाकी जो 2 टुकड़े हैं उसे छोड़ दीजिए, एक टुकड़ा जो रोटी आने भर को आपके पेट में जगह बची है उसमें आप लिक्विड डालिए पेट, लिक्विड्स में जूसेस हो गया, छाछ हो गया, दही हो गई, दाल का पानी हो गया, दाल हो गई, ये सब चीजें खाने के लिए थोड़ा सा एक तिहाई हिस्सा छोड़िए। उसके बाद जो चौथा पार्ट बचता है उसे आप हवा के लिए छोड़ दीजिए, ताकि इतने बड़े मिक्सर के पॉट में इतना सा आपने सामान डाला है तो उसको पूरे मिक्सर में घूमने को जगह अच्छे मिले। ठीक, अब दूसरी बार है खाना कितनी बार। देखा जाए तो आयुर्वेद में बताया गया हुआ है सप्त धातु का एक है, उसमें जैसे हमारा शरीर सप्त सात धातुओं से मिलकर के बना हुआ, सात धातु यानी कौन कौन सा हो गया, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, शुक्र, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये सात हमारे सप्त धातु है शरीर में, जिनका रहना बहुत जरूरी। अब हमारा शरीर धीरे धीरे प्रोसेस करता जाता है, हमने कुछ खाया तो वो खाना रस में कन्वर्ट हुआ, रस से रक्त बना, रक्त से मांस बनी, मांस से फैट बना, फैट से फिर धीरे धीरे हमारी हड्डी बनती है, हड्डी से फिर हमारे हड्डियों के अंदर बोन मैरोज होते हैं, उनका निर्माण होता है, वहां से फिर शुक्र एनर्जी वीर्य का निर्माण होता है। ठीक, तो ये प्रोसेस होती है। आपने एक बार खाना खा लिया ना, उसके जैसे आपने मान लीजिए 10 से 11 बजे के बीच आपने खाना खा लिया,
अब ये पूरी सप्त धातु तक की शुक्र वीर तक की प्रोसेस को, शुक्र तक की प्रोसेस को कम से कम 7 से 8 घंटा लगता है, तब जाके वीर का निर्माण होता है। अब हम क्या करते हैं, 3 से 4 घंटे के बाद हमने फिर से खूब सारा खा लिया, उसके बाद हमने फिर से खूब सारा खा लिया, तो क्या वो कभी कभी फंक्शन सिर्फ कुछ हड्डियों तक ही पहुंच पाता है, या सिर्फ फैट तक ही पहुंच रहा है, हमने फिर से खा लिया, मांस तक पहुंचा हमने फिर से खा लिया, सप्त धातु तक की प्रोसेस तो हुई ही नहीं। तो इस प्रकार खाना कोशिश कीजिए 10 से 11 के बीच पेट भर के खा लीजिए, उसके बाद शाम 6 से 7 या 7 से 8 के बीच में पेट भर के खा लीजिए। 2 बार खाना खा करके देखिए आप, एक बार अगर आपने चेंजेस कर दिया खाना खाने में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी क्योर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब हम तीसरा अगर देखेंगे डाइट में ही, तो टाइमिंग, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा होता है, सुबह जब हम उठते हैं, सूर्य जैसे ही उगते हैं तो वैसे वैसे हीट का निर्माण करते हैं, यानी हमारे शरीर के एसिड को बढ़ाते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे सूर्य ढलते हैं तो शरीर की हीट जो है वो ठंडी में कन्वर्ट हो जाती है, हमारा शरीर ठंडा होना शुरू होता है। इसीलिए अगर आपने दिन में खाया और शाम का खाना आपने सूर्य डूबने के 1 से 2 घंटे के बीच में खा लिया, तब आपका वो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, अदरवाइज फिर वो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होकर के बाकी फैट में कन्वर्ट हो जाता। तो इसलिए आपको टाइमिंग भी देखना है कि आप किस टाइम पे खाना खा रहे। अब किसी किसी को डायबिटीज हो चुकी है, किसी किसी को बीमारियां आ चुकी है, अब डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आ चुकी है, पित्त ज्यादा भड़क गया है, तो अब डॉक्टर क्या कहेंगे, हर 2 घंटे में खाओ, हर 3 घंटे में खाओ, लेकिन वो खाने की क्वांटिटी भी कितनी होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी सी, ज्यादा खाओगे तो शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसे समझ में ही नहीं आएगा कि आप क्या खाए। अब हम अगर तीसरा देखते हैं, दूसरा फैक्टर देखते हैं जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है, तो वो है टॉक्सिसिटी, यानी आप जो अनाज खा रहे हो आप पहले वो देखो कि आप उसको अच्छे से वॉश करके खा रहे हो क्या, अनाज की क्वालिटी क्या है जो आप लेकर के आ रहे हो, फ्रूट जो आप खा रहे हो क्या वो केमिकल से पकाया गया है या फिर नॉर्मल पकाया गया है। अब आजकल तो पता ही है कि हर चीजें वैसे ही मिलने वाली है, फिर क्या करो, फिर उसको घर में लेकर के आओ, एक वैसे सब्जी लेकर के आए, एक बड़े पानी बाउल में पानी डालिए, उसमें सब्जी डाल दीजिए, उसमें नींबू निचोड़ दीजिए, आधा घंटा छोड़ दीजिए, क्या हुआ, केमिकल्स निकल जाते हैं। अब उसको खाइए, थोड़ा सा प्रिकॉशन आपको फिर खाने को लेकर के रखना पड़ेगा। दूसरी चीज है टॉक्सिसिटी में, अनाज की टॉक्सिसिटी के साथ हमारे शरीर की शुद्धि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो कि आप इतना खा तो रहे हो लेकिन क्या आपका पेट साफ हो रहा है, जो आप खा रहे हो वो डाइजेस्ट हो पा रहा है क्या, कितनी क्वांटिटी में आप खा रहे हो, आप कफ बढ़ा हुआ है क्या, आपका पित्त ज्यादा भड़का हुआ है क्या, आपका वात की प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो गई है क्या। अगर ये सब चीजें हैं तो थोड़ा सा फिर हमें अपनी ट्रीटमेंट के साथ साथ थोड़ा सा हमें डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा, दूसरी ट्रीटमेंट लेना साथ में बहुत जरूरी है, अगर डिसीज थोड़ा सा लेवल से आगे बढ़ गई है तो। अब अगर हम देखते हैं नेक्स्ट, तो वो हो जाता है फिजिकल कंडीशन जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती है। फिजिकल कंडीशन यानी क्या, आपने 1000 कैलोरी का खाना खाया तो क्या दिन भर में आपने वो 1000 कैलोरीज को डाइजेस्ट किया क्या, पचाया क्या उसे, उसे पचाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज में भी अब आप कौन सा फॉर्म चुनेंगे, एक तो होता है जिम एरोबिक्स, दूसरा होता है योगा। योग में क्या होता है, हमारे जो आइसोमेट्रिक मसल्स होती हैं वो बनती है, और जिम से आइसोटोनिक। ठीक है, तो अब आइसोमेट्रिक में क्या हुआ कि हमारा जो मसल्स की जो लेंथ है वो लेंथ थोड़ा बहुत अप डाउन होती है लेकिन बाकी वो सही रहता है। योग करने से क्या होता है, हमारे मसल्स के वेयर एंड टेयर बहुत कम होते हैं, जिम करने से मसल्स का नुकसान बहुत आता है, वेयर एंड टेयर ज्यादा, जिसके कारण मसल्स बिल्डअप होती चली जाती है, बनती चली जाती है। लेकिन कभी भी देखिए आप, जिम करने वालों की फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती, जितने ज्यादा मसल का वेयर एंड टेयर होगा उतना ही ज्यादा उनकी मसल स्टिफ होगी, कड़क होगी, और वही योग करने वालों की मसल्स बहुत लचीली होती है, उनका इलास्टिसिटी जो है वो अच्छी रहती है,
योग करने वालों से। तो जो भी आपने खाया है उसे आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं क्या, नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी कैलोरीज को आपको बर्न करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको एक्सरसाइज चुनना है। ठीक है, कोई बात नहीं, जिम करिए, एरोबिक्स करिए, वॉकिंग करिए, कुछ भी करिए, लेकिन अपनी एनर्जी को बर्न करना जरूरी है, ग्लूकोज को बर्न करना जरूरी है, जितना फैट आपने खाया है उसे कैलोरीज को बर्न करना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा आगे और देखते हैं तो एक आता है मेंटल कंडीशन भी, उसमें आपको हेल्थ को अफेक्ट करने वाले सिस्टम में शामिल। मेंटल कंडीशन यानी क्या हुआ? अब आप देखिए खाना, जैसे स्पेशली महिलाएं खाना बनाने के लिए किचन में जाती हैं, जैसे मैं भी जाती, मैं जैसे किचन में गई, मैंने खाना बनाना शुरू किया, मेरे घर में ऐसा कुछ तो भी झगड़ा हो गया है किसी का, अब उसको मैंने डायरेक्ट तो कुछ नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्ट तो मेरे ब्रेन में चल ही रहा है कि यार उसने मुझे ऐसा बोला, उसने ऐसा मुझे बोला, खाना बना रही हूँ पर मन में गुस्सा है। तो वो जो गुस्से वाला भाव है वो भाव मैंने खाने में डाल दिया, अब वो भाव का ही खाना बाकी सब खाएंगे, जिसके कारण उनको उनके भाव भी वैसे ही हो जाएंगे चिड़चिड़े। कभी देखिए प्रसाद बनाते हैं भगवान का, तो प्रसाद में हम कुछ भी नहीं डालते हैं, लेकिन उस समय भाव क्या रहता है कि भगवान का प्रसाद बनाना है, जल्दी जल्दी पंडित जी बैठे हुए हैं प्रसाद ले जाकर के उनको देना है, तो वो भाव हमारा कौन सा हुआ वहां पर? प्रसाद बनाने का अच्छा भाव, सात्विक भाव हुआ, तो प्रसाद का टेस्ट देखिए बहुत अच्छा बनता है। कभी भी देखिए जो भंडारे का खाना है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, कुछ भी नहीं डलता है उसमें, लेकिन क्यों? ईश्वर का है, हमारे भाव वैसे निर्माण हुए हैं। कभी देखिए कि जैसे हमारे घर में मेरे बच्चे ने आया और बोला मम्मी बहुत भूख लगी है जल्दी से कुछ तो भी बना दो, फिर क्या हुआ? हमारे मन में कोई विचार ही नहीं रहता, एक ही उद्देश्य रहता है कि यार इसे भूख लगी है जल्दी से बना करके देना है। उस समय हम क्या करते हैं, जल्दी से हम उसके बच्चे के लिए बनाया और दे दिया, उसमें जो टेस्ट है वो टेस्ट आपका 1 घंटे की तैयारी में भी नहीं रहता। तो ये सारे रीजंस हैं जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करने वाले होते हैं, ये डाइट हो गया, या फिर हमारे सप्त धातु हो गए, हमारे त्रिदोष हो गए, हमारे फिजिकल कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन है, मेंटल कंडीशन है, ये सभी चीजें जो है हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती। अब हम थोड़ा सा ट्रीटमेंट की तरफ जाते। अब ट्रीटमेंट में हमें सबसे पहले क्या करनी है, तो जैसे मैंने आपको बताया शुद्धि क्रिया, ठीक है, शुद्धि क्रिया में सबसे पहले अगर जैसे आप योग पढ़ेंगे तो उसमें है कि शुद्धि क्रिया में अगर कफ बढ़ गया है तो जलनिधि करनी है, ठीक है, पेट में एसिड बढ़ गया है तो वमन धौती करनी है, यानी पानी बहुत सारा पीकर उसे वॉमिट करा दीजिए, तो फिर पेट में जितना ज्यादा एसिड बना हुआ है वो निकल जाएगा। ठीक है, अगर पेट साफ नहीं हुआ तो फिर थोड़ा सा बस्ती की क्रिया करवा दिए, नौली क्रिया करती है तो पेट की मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है अंदर ही अंदर, अग्निसार क्रिया किया तो यहाँ का पेट का फैट थोड़ा सा कम हो जाता है। इस प्रकार बहुत सारी शुद्धि क्रियाएं हैं जिन्हें हम कहीं कहीं नेचुरोपैथी सेंटर में जाकर के या फिर योग के सेंटर में जाकर के हम करवा सकते हैं, या फिर थोड़ा सा सीख करके आप खुद भी कर सकते हैं बहुत ईजी। दूसरा अगर देखा जाए तो हमें साथ साथ में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लेनी पड़ती है। अब हमारी जो प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं शरीर में, डैमेजेस हो चुके हैं, अब वो डैमेजेस को रिकवर करना है तो थोड़ा सा अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, योग कर रहे हो, तो उसके साथ साथ आपको थोड़ी सी ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है, साइड बाय साइड, ताकि वो जो डैमेज हुआ है उसे भी थोड़ा सा रिकवर किया जाए। उसके बाद देखा जाए तो महर्षि पतंजलि का ग्रंथ है योग दर्शन, उसमें दिया हुआ है अष्टांग योग। अष्टांग योग यानी योग के 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। तो हमें ये थोड़ा सा 8 अंगों से होकर के गुजरना पड़ता है अगर हमारे हेल्थ को नेगेटिविटी से पॉजिटिव में करना। सबसे पहले यम नियम देखा जाए, मैं तो पूरे 8 अंग नहीं बताने वाली हूँ, सिर्फ आपके डिसीज से रिलेटेड यम नियम है। तो यम के 5 उपाय है, नियम के 5 उपाय, तो उसमें क्या होता है, अहिंसा नहीं करनी है, अहिंसा यानी मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, कर्म से भी नहीं, अहिंसा सत्य हमेशा सच बोलना है, अस्ते चोरी नहीं करनी है किसी से भी, जरूरी थोड़ी है कि हमने किसी का सामान उठाया तो भाई चोरी हुई, हम किसी से कुछ छुपा रहे हैं वो भी चोरी होती है,
ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपरिग्रह, बहुत सारी प्रॉपर्टी हमने जमा कर ली। अब हमें टेंशन रहता है उसका भी टैक्स भरना है, उसका भी टैक्स भरना है, उसका भी टैक्स भरना है। किसी कारण से अगर हमारी इनकम बंद हो गई, लेकिन वो तो लोड लेकर ही रखेंगे कि नहीं आपको करना ही करना है, उसमें भी आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार नियम के भी पांच उपांग है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, भगवान की पूजा कीजिए, थोड़ा सा तपस्या करिए। स्वाध्याय क्या, जो आप अच्छे कर्म कर रहे हो उसी को ही रिपीटेशन में करते चाहिए, करते चलिए। इस प्रकार से थोड़ा सा अगर आप इनको अपने थॉट प्रोसेस से चेंज करोगे तो आपको काफी फायदा मिलेगा। इसके बाद में ऐसा होता है कि हमें अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचना जरूरी है। अगर हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो जैसे हमारा एनर्जी लेवल है, अगर मैं अपने बारे में ही सोचती हूँ, कभी आप देखें अगर मैंने खुद के बारे में सोचा तब अपनी एनर्जी देखना, और अगर हमने किसी को सेवा भाव से किसी की सेवा की तब देखना, बहुत चेंजेस होते हैं। तो कैसा रहता है अगर हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको तो मिलता है, दूसरों को भी आपने दिया और वो दूसरा भी आपको उसकी पॉजिटिव एनर्जी कन्वे करता है, जिसके कारण आपको काफी मेंटल लेवल पे काफी इफेक्ट होता है, आपको काफी आपके वाइब्रेशंस जो है वो पॉजिटिव हो जाते हैं। और उसके बाद और देखते हैं तो आसनास, आसन हमें करना चाहिए। आसन में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो बहुत दौड़ धूप या एकदम हार्ड वाले जरूरी थोड़ी है वैसे करना, आप नमस्कार आसन भी कर सकते हो। नमस्कार आसन यानी आप बैठे हो, हाथ नमस्कार की स्थिति में है, आंखें बंद है, आप अच्छे से ध्यान से बैठे हुए हो। अभी ध्यान से बैठे बैठे आपने आंखें नम्रता से बंद कर दी है, बंद करके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रखी हुई है आप। और नमस्कार आसन में आप कम से कम 20 मिनट 10 मिनट बैठ करके तो देखिए, आपकी सांसों पर ध्यान लगा करके तो देखिए, पद्मासन में बैठिए, सुखासन में बैठिए, किसी भी आसन में बैठिए आप, जरूरी नहीं है। महर्षि पतंजलि का कहना है कि स्थिर सुखम आसन, यानी जिस भी पोस्चर में आप स्थिर हो, स्टेबल हो, सुख पूर्वक बैठे हो, वही आपका आसन है। उसमें उन्होंने कुछ नहीं बताया है कि एकदम से आप नटराज आसन कर लो तो बहुत ये हो जाएगा, नहीं, बस आपको अपनी स्टेबिलिटी वहां देनी है। जैसे जैसे आप आसनास करोगे वैसे वैसे आप आसन के साथ साथ शरीर को दृढ़ बनाओगे, वहां स्टेबल रहोगे, उसके साथ साथ आपका प्राण भी वहां पर स्टेबल रहेगा। प्राण आपका स्टेबल है तो मन भी कंट्रोल हो जाएगा, मन कंट्रोल है तो फिर आपके थॉट प्रोसेस भी कंट्रोल होंगे। जो आप ज्यादा विचार करते हो, ज्यादा सोचते हो, आपका ब्रेन बहुत परेशान रहता है, वो धीरे धीरे करके उसकी क्वांटिटी कम होने लगती है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं ध्यान में। ध्यान यानी क्या हुआ, मेडिटेशन। अब ध्यान यानी सिर्फ यही नहीं बोलूंगी मैं कि आप आराम से बैठे हो, आंखें बंद है, हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाई हुई है और एक जगह बैठे हो और बस सोचते जा रहे हो, वही ध्यान नहीं। ध्यान यानी क्या, खाना बना रहे हो, खाना बनाते समय भी 100% फोकस सिर्फ खाने पर रखना, सोचना नहीं है कुछ, सिर्फ खाने पर, वो आपका मेडिटेशन हो गया। अब झाड़ू लगा रहे हो, पूरा फोकस झाड़ू पर लगाइए, वो आपका मेडिटेशन हो गया। कहीं आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, गाड़ी ड्राइव करते समय बहुत सारे विचार आते रहते हैं, गाड़ी ड्राइव करते समय सिर्फ ओंकार का जप करिए, अंदर ही अंदर कोई थॉट्स को लेकर के ही मत आइए अपने ब्रेन में, देखिए आपको कितना रिलैक्स फील हो जाता है उसी समय, विचार ही नहीं आते तो परेशान नहीं होंगे आप। ठीक है, उसके बाद मेडिटेशन से क्या होता है कि ठीक है, अगर आप तो बैठ करके भी ध्यान लगा रहे हो तो थोड़ा सा आप सांस की तरफ ध्यान लगाइए, सांस कैसे ले रहे हो, कैसे छोड़ रहे हो, विचार आएगा, विचार को छोड़ के फिर से वापस सांस पर ध्यान लगाना है, छोड़ना है, लगाना है, छोड़, विचारों का काम ही है, हर माइक्रो सेकेंड्स में वो अपने थॉट्स को चेंज करते रहते हैं तो उनका काम है, वो छोड़ दो, आप अपना फोकस सांस पर लगा के रखिए। तो सांस पर लगाने से क्या हुआ, धीरे धीरे करके आप सांस ले कैसे रहे हो और छोड़ कैसे रहे हो उसकी गति को आप पहचान पाओगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, एक हठ प्रदीपी का ग्रंथ है, टेक्स्ट है, स्वामी स्वात्माराम जी द्वारा रचित, तो उसमें एक मंत्र दिया हुआ है, एक श्लोक दिया हुआ है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे। ठीक है, यानी जैसे जैसे वात यानी हवा यानी प्राण, जैसे जैसे हमारे प्राण चलता है वैसे वैसे हमारा
मन चलता है। चले वाते चलम चित्तम, जैसे जैसे हवा, जैसे जैसे ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है, सांस का हम गति ज्यादा है, तो वैसे वैसे मन भी ज्यादा चलेगा, विचार ज्यादा आएंगे। सांस की गति नॉर्मल है तो विचार भी नॉर्मल होंगे, धीमी गति से हमारे साथ चलेंगे। इसलिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के द्वारा कहा है, आसन फिर प्राणायाम, प्राणायाम के द्वारा मन को कंट्रोल करो, उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे की प्रोसेस की तरफ हम बढ़ेंगे। मन डायरेक्ट कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसे दूसरे वे से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे योग निद्रा। योग निद्रा में क्या होता है कि जैसे आप शवासन में लेट, जैसे आप रात को सोने के लिए भी जा रहे हो, सोते समय सिर्फ हमारी ही शरीर के अंदर की दुनिया में चले जाओ, बाहर की दुनिया से ध्यान हटा लो। आप शवासन में या फिर बिस्तर पे जाके लेटे हो, हम बहुत सोचते हैं, हाथ में एक तो मोबाइल रहता है, आधा 1 घंटे तक तो छूटता नहीं है जब तक नींद ना आ जाए। ठीक है, नींद आएगी, मोबाइल अपने आप घर से नीचे गिर जाएगा, तब होश आएगा, अरे मोबाइल छूट गया, उठा करके रखूंगा। मोबाइल लेना ही नहीं है ना हाथ में, सोने के आधा घंटा पहले हटा करके रख दीजिए उसे दूर। उसके बाद आंखें आपने बंद किया है, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हाँ दिन भर हमारा जैसा बीता है, अब पूरी रात हमारी अच्छी बीते। उसके लिए अब आप रात को लेट गए, लेटने के बाद थोड़ा सा आंखें बंद कर ली, शरीर की तरफ ध्यान बढ़ाए, खुद के ही ऑर्गन्स को देखिए एक बार मन से, और ऑर्गन्स को देखते देखते मन से ही उसे रिलैक्स करना शुरू कीजिए। पैर के नाखून से धीरे धीरे सिर के बाल तक पहुंचिए, नहीं आप बीच में पहुंचे तो नींद आ गई तो बोलिएगा मुझे, अपने आप नींद आ जाती है। और सुबह बहुत अच्छी फ्रेश नींद के साथ आप उठते हो, तो थोड़ा सा योग निद्रा भी आपको करनी चाहिए। इसके लिए YouTube पे बहुत से लिंक है, नहीं होगा तो मुझे पूछेगा, मैं आपको लिंक बता दूंगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ओमकार जप। ओम का जो उच्चारण करते हैं हम, तो ओम के उच्चारण से क्या होता है, हमारे पूरी शरीर में वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। तो वाइब्रेशंस क्रिएट होने के कारण हमारा जो ऑरा है, ऑरा पॉजिटिव हो जाता है, उसके कारण प्रॉब्लम्स हमारे तक आ ही नहीं सकती है, क्योंकि ईश्वर की एनर्जी से बढ़कर और कोई भी एनर्जी नहीं है। ईश्वरीय एनर्जी हमको मिल रही है, जिसके कारण नेगेटिविटी दूर दूर तक नहीं आ सकती है। फिर एक और ट्रीटमेंट आता है, NLP ट्रीटमेंट। NLP यानी क्या हुआ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। उसमें क्या होता है, न्यूरो यानी हमारा मन, लिंग्विस्टिक यानी हमारा जो ब्रेन जो सोच रहा है, उसे हमें कौन सी लैंग्वेज बतानी है कि आप किस भाषा में सोचिए, यानी हमें हमारे ब्रेन को की प्रोग्रामिंग करनी है कि आपको सोचना कैसे है, आपको बोलना कैसे है। अब किसी दिन आप सुबह सोकर के उठे, जैसे ही आपने मन में सोचा यार आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसके बदले अगर आप ये सोचे कि नहीं यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, कुछ भी नहीं हुआ है मुझे, एकदम स्वस्थ हूं मैं, मेरी शरीर एकदम पॉजिटिव है, अच्छे से खुशी वाला चेहरा बना करके और एक बार इस टाइप बोल करके तो देखिए मन में पूरा दिन अच्छा लगेगा। और अगर मन में प्रोग्रामिंग यही कर दी ब्रेन को कि यार आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो तुरंत आप डिस्टर्ब हो जाओगे। डिस्टर्ब होने के कारण आपने ब्रेन को यह मैसेज भेज दिया है, ब्रेन को कुछ नहीं समझता है, आपने जो प्रोग्रामिंग किया है वो वही एक्सेप्ट करता है, बस उसे नहीं पता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल भी नहीं पता है कि आप सही करा रहे हो कि गलत करा रहे हो। उसके कारण क्या होगा, आप जो भी मैसेज दोगे वो उसी को फॉलो करेगा, दिन भर आपको सही में नहीं अच्छा। इसलिए अपनी सोच को बदल करके देखिए, अपने ब्रेन को जो आप प्रोग्राम कर रहे हो, वो आप किस तरीके से प्रोग्रामिंग कर रहे हो ब्रेन की, उसे आप देखिए। या फिर आपके आसपास सराउंडिंग में आपका बच्चा भी नेगेटिव बोलता है, भले ही वो कर पाए नहीं कर पाए, वो अलग इशू हो जाता है, नहीं बेटा कुछ नहीं, बहुत अच्छा है, आप अच्छा कर लोगे, एक बार बोल करके देखिए उसे, और दुगनी गति से करें। तो इस प्रकार से अगर हम देखा जाए, और एक और बोलूंगी आपको, उपचार में बिजी रखना है खुद को, जितना ज्यादा आप खुद को बिजी रखेंगे सुबह से लेकर रात तक, मन को ब्रेन को सोचने का मौका नहीं देंगे फालतू की चीजें, तब तक उसको टाइम ही नहीं मिलेगा। बाद में थोड़ा सा टाइम मिलता है, अरे यार अब मैं बहुत थक गई हूँ, लेट होकर तुरंत सो जाओगे, अच्छी प्यारी वाली नींद है। और जिसने ज्यादा सोचा, बैठे हैं खाली पीली, कोई काम नहीं है, सिर्फ सोचते जा रहे, उनका ब्रेन थक जाएगा वैसे ही सोच सोच करके, फिर ना नींद आती है ना कुछ आता है, एंजाइटी डिप्रेशन सब चीज का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। वैसे भी खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो इसलिए दिमाग को कभी खाली ना रखें,
हमेशा बिजी रहें, अच्छी चीजें पढ़ें, खुद के अगर ठीक है करियर अगर कुछ नहीं है कोशिश तो कीजिए, आराम से आप छोटा मोटा काम शुरू कीजिए, बहुत आगे बढ़ जाएंगे आप उसी चीज में। इस प्रकार से देखा जाए तो जैसे मेरा आज का विषय था साइकोसोमेटिक एंड सोमेटोसाइकिक डिसीजेस, तो उस विषय पर जैसे मैंने आपको जितनी जानकारी हो सकती थी अपनी तरफ से कोशिश की है मैंने आपको देने की। फिर भी अगर किसी को कुछ मुझसे पूछना है तो फिर आप सभी पूछ सकते हैं मुझसे। तो फ्रेंड्स थैंक यू मीना जी। सो फ्रेंड्स आपकी आवाज नहीं आ रही है मीना जी, अब आ रही है? एम आई ऑडिबल? हेलो। हेलो, हाँ रीत आपका साउंड मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। ये ऑडिबल ना? हाँ आ रही है आवाज मीना जी, एक बार फिर से चेक करी। यस सो फ्रेंड्स आपको जो भी क्वेश्चंस है यू कैन आस्क मीना जी, मीना जी से आप पूछ सकते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग यू विश टू आस्क। रीत आपका साउंड नहीं आ रहा मुझे। हेलो, हाँ रही, आ रही है आवाज आपको? अभी भी बहुत कम आ रही। या फ्रेंड्स एम आई ऑडिबल? आपका साउंड नहीं सुनाई दे रहा है मुझे। यस यस मीना जी आवाज आ रही है, चैट विंडो में सबने यस कहा है, एक बार आप चेक कीजिए। ओके 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 या मीना जी एक क्वेश्चन है ज्योति जी ने पूछा है, जो सोरायसिस इज रिलेटेड टू साइकोसोमेटिक डिजीज, ये जो सोरायसिस होता है वो साइकोसोमेटिक से रिलेटेड होता है क्या? मीना जी आपका माइक म्यूट है, आपका माइक म्यूट है। हेलो। या हाँ हाँ मीना जी, हाँ सोरेसिस जो प्रॉब्लम है वो कैसा होता है? हमारा जो शरीर अंदर से डिस्टर्ब हो जाता है स्ट्रेस के कारण, उसके कारण फिर वो धीरे धीरे हमारे स्किन में आना शुरू होती है प्रॉब्लम, और स्पेशली जिनकी पित्त प्रकृति होती है उन्हीं को ही सोरेसिस प्रॉब्लम होती है ज्यादा। तो उसे भी योगासन से, एक्सरसाइज से, डाइट के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं काफी। मेरी एक स्टूडेंट थी सोरेसिस प्रॉब्लम वाली है, लेकिन उसका काफी काफी क्योर हो चुका है उसका प्रॉब्लम। ओके लाइक सोरायसिस को हम मतलब अगर हम डेली योगा करते हैं तो उससे मतलब बैलेंस हो सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बैलेंस हो सकती है उसे, तो थोड़ा सा साइड ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी उसकी, लेकिन उसके साथ में योगा मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो फिर वो काफी क्यूरेबल है, रिजल्ट अच्छा है। ओके ओके थैंक यू। सो फ्रेंड्स एनी अदर क्वेश्चन यू विश टू आस्क आप पूछ सकते हैं, इवन यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड आस्क। या विजय जी विजय जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं मैम, नहीं। ओके ओके फाइन ओके यस। सो फ्रेंड्स एनी अदर क्वेश्चन यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स एज वेल। सो फाइन देर आर नो मोर क्वेश्चन आंसर्स। सो फ्रेंड्स नाउ या वी कैन मूव टू आवर नेक्स्ट स्लॉट, दैट्स द थैंक यू स्लॉट, थैंक यू नोट गिविंग टू आवर स्पीकर एंड आवर मेंबर्स। So friends, I thank to Sampark for giving me this opportunity to propose the vote of thanks for our today's guest speaker. A heartfelt thanks to Meena Mishra ji for giving your valuable presence and conducting session for our Sampark family.
तो फ्रेंड्स अ फ्यू पॉइंट्स टू डिस्क्राइब अबाउट द फाइव टाइप्स ऑफ कोश, हाउ दे आर कोरिलेटेड टू बैलेंस आवर गुड एंड हेल्थी लाइफ एंड ऑल द प्रॉब्लम्स. 99% ऑफ आवर प्रॉब्लम्स आर साइकोसोमैटिक. व्हाट वी आर थिंकिंग दैट बिकम्स अ रियलिटी. सो वी हैव टू थिंक पॉजिटिव फॉर अ गुड हेल्थ एंड वी मस्ट एक्सरसाइज डेली टू बर्न आवर एनर्जी एंड वी शुड नॉट कीप एनी एक्सपेक्टेशंस as it is a major cause of stress. So these type of few points she guided. Due to loneliness, if the person is not speaking, that also creates a disease. So we should always share our feelings and emotions with our friends and families. We should balance all our three doshas, that is vat, kapha and pitta. क्योंकि अगर वो balance नहीं होते हैं तो that is not good for our health. And proper diet is essential for balancing our right health. And all the proteins, vegetables, minerals, fruits should be taken in our diet. And right quantity of food to be taken is also very important. And at the right time, we should take. And exercise is the major part of our good health. And especially yoga, it plays a major role. All the pranayam, the asana, the surya namaskar, the entire thing is very, very important. And we should balance all the seven dhatus that are in our body. And she guided various treatments of these disorders like Shuddhi Kriya, Nali, Jal Dhoti. That is very, very important. ये सारी natural kriyas हैं जो उन्होंने guide की हैं. Yes. So friends, thanks a lot. A heartfelt thanks to Meena ji for conducting such an informative session and sharing her wisdom with us. And even heartfelt thanks to all the members for attending today's session. Friends, do attend all the Gurukul trainings that we organize every Sundays for our members with different renowned speakers in Sampark platform. And my sincere thanks to our speaker and the directors of Sampark for organizing such useful trainings for our Sampark family. So friends, that's all from my side. And now we conclude our session here. Thanks to one and all, and happy Sunday. So thank you, Meena. Thank you, so thank much, you everyone, and Sampark members. Thank you very much. Yes. So thank you all. Now we conclude here.